इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाएं। देखिए लटकन बनाने के लिए मैं दो कलर यूज कर रही हूँ, एक ब्रॉकेट का कपड़ा है, एक प्लेन है। और अभी डोरी ली है मैंने, अभी मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहे तो कपड़े की भी बना सकते हैं। और अभी हम ड्राफ्ट करते हैं। तो देखिए एक पीस मैंने कट कर लिया है, अभी आपको साइज़ बता देती हूँ। देखिए 6 इंच के आसपास इसकी लंबाई है और 6 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई है, चौकोर पीस है। और इसी तरह एक और कपड़ा ले लें, या तो आप इसका अस्तर भी ले सकते हैं और चाहे तो सेम कलर भी ले सकते हैं। मैं इसका अस्तर लूँगी सेम कलर का, तो पहले इस पर ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस पार्ट को हम यहाँ पे जो हमारा पार्ट है इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे और फिर से एक बार इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का ये पीस हमारा तैयार हो जाएगा, देखिए पूरा फोल्डिंग करने के बाद। और इसकी अभी हम शेप दे देते हैं, मार्किंग करते हैं, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस खोलेंगे तो हमारा पीस इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये पीस हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से अस्तर भी ले लेते हैं, ड्राफ्ट भी इसी तरह से कर लेंगे सेम, इसी की तरह राउंड में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से कट कर लिया है और अभी इस पीस को हम सेंटर से कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद इसको कट कर देते हैं सेंटर। तो ये हमारा एक लटकन का पार्ट तैयार हुआ है। इसी तरह से दूसरे लटकन का भी कर लेंगे और जो भी डिज़ाइन देने वाले हैं उसके बारे में बता कि फ्रिल के लिए मैंने कुछ कपड़ा कट किया है, आपको साइज़ बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है जो कपड़े की, और इसको लंबी पट्टी आप तैयार कर लें। जैसे कपड़ा कम है तो पट्टियों को आप जॉइंट कर सकते हैं, जॉइंट करके बाद लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। और अभी फ्रिल बनानी है उसके बारे में बताती हूँ। तो जैसे पट्टी हमारी तैयार हो जाएंगी लंबी, उसके बाद हम इसको बीच से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई डाल दें। सिलाई डालने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद ये फ्रिल हमारी तैयार हो जाएंगी, उसके बाद फिर लटकन में लगाएंगे। तो देखिए ये फ्रिल मैंने तैयार करी है, जैसे यहाँ पर जॉइंट था जॉइंट कर लिया है और जैसे मैंने बताया था इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और अभी बताती हूँ फ्रिल के बारे में। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट लेंगे। देखिए फ्रिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने जो ये पीस कट किए थे अभी हम पे फ्रिल लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर पे फ्रिल लगा लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये राउंड शेप है इसमें फ्रिल लगानी है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक कोने से। फ्रिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमने जो पीस कट किया था इस पीस को रख लेते हैं। तो देखिए जो ये पीस सीधा भाग है उसको इसके ऊपर रखें यहाँ पे, और इसको भी सेम राउंड में स्टिच। कट भी दे दिए, इसको पलट देते हैं। देखिए इसी तरह मैंने एक पीस और तैयार कर लिया है जो हमने कट किया था, और अभी हम इसमें डोरी में अटैच करते हैं। तो देखिए डोरी ली है, जैसे मैंने बताया रेडीमेड ली है, आप चाहे तो कपड़े की बना सकते हैं। और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे इसके बीचों बीच। तो जो ये पॉइंट है ये चीज़ देख लें, जो हमारा फ्रिल का पॉइंट है और ये पॉइंट बराबर से आ जाना चाहिए। और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच डाल देते हैं क्रॉस में। देखिए सिलाई डाल दिया है मैंने, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कट कर दिया है, इसको पलट देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी हमने जो दूसरा पीस तैयार किया था इसको भी अटैच करते हैं। तो यहाँ से आप 1 इंच ले लें, जो आपका डोरी का पॉइंट है यहाँ से 1 इंच पे इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। अभी इसको पलट देते हैं।
देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए कितना सुंदर लटकन लग रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती ब्लाउज या लहंगे के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।